तो महात्मा गांधी की चित्र प्रदर्शनी है और हम लोग हैं यहाँ लाइव। आप देख रहे हैं इस वक्त भारतीय नृत्य कला मंदिर टाइम्स ऑफ इंडिया के ठीक सामने पटना से। और अभी सुबह के कितने बजे हैं साहब? अभी सुबह के 10:30 बजे, 10:35 और मैं हूँ विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। आज है 2 अक्टूबर है और इस वक्त आप लाइव हैं भारतीय नृत्य कला मंदिर। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर से हैं इस वक्त। आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और दूसरा ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसका 75वां साल उसको जो मनाया जा रहा है उसमें फोटो प्रदर्शनी है। सो आप देख रहे हैं लाइव बिहार व्यू, मैं हूँ विमल चुन्नी। One second. Sorry.
अमलेंदु झा सचिव उड़ान। अमलेंदु झा जी कितने सदस्य थे इसमें? ये पूरे साइकिलिंग टीम के 30 साइकिलिस्ट हैं, 9 नुक्कड़ नाटक की टीम थी और 10 इसके सपोर्ट के लिए एडम टीम गई थी। तो ये महिलाएं और पुरुष दोनों हैं इसमें? हाँ। हाउ मेनी गर्ल्स और फीमेल्स हैड पार्टिसिपेटेड? 9 महिला गर्ल्स थी। कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे बीच पधार चुके हैं। आलोक डॉक्टर आलोक रंजन मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सर आपने बहुत सरलता से सहजता से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज जो हम एकत्रित हुए हैं, आज जो हम कार्य कर रहे हैं, एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। हम बापू को याद कर रहे हैं और इसके साथ साथ बापू के साथ साथ एक और महान पुरुष आज पैदा हुए थे वो लाइन आ रहा है कि लोगों को, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो खादी की जो प्रदर्शनी लगी है, खादी बापू के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा अस्त्र था, तो आज भी जरूरत है हमें आत्मनिर्भर बनने की। और मैं इतना ही लास्ट में अपील करूंगा आप लोगों से कि ये जो खादी प्रदर्शनी लगी है, जिस तरफ जो हम बढ़े हैं उसको एक बल मिले, क्योंकि इस खादी से देश का अभिमान स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं फिर जितने यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि और जितने गणमान्य अतिथिगण आए हैं, कैडेट्स आए हैं, मैं सबका अपने विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जय। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह से कि वो हमारे मंच पर आप उपस्थित हो। सर आपका स्वागत है, जो कि एनसीसी उड़ान के संगठन के पूर्व एनसीसी कैडेटों का एक संगठन है एनसीसी उड़ान, जहां आज
साइकिल रैली का आयोजन 22 सितंबर को हमारे गांधी संग्रहालय से यानी गांधी मैदान से जो शुरू हुआ था और कल वो पूर्ण हुआ है। ये सारण, सिवान, अरेराज, लौरिया, भितरहरवा, सुगौली, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली से होते हुए पटना वापस ये लोग एक। मैं आग्रह करूंगी सर से, डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह से, कि वो हमारे मंच पर आए और कुछ इसके विषय में आप लोगों को बताएं। नमस्कार, नमन सभी को, मंचासीन सभी अतिथियों का, आपकी उपस्थिति से हमारे इन कैडेटों का जोश दूना चौगुना छगुना सौ गुना हो गया। मेरे साथ सभी इस प्रेक्षागृह में उपस्थित, मैं कहूंगा महात्मा गांधी की, उसके बाद आप क्या कहेंगे आप जानते हैं स्वतः। महात्मा गांधी की नहीं आई आवाज, फिर से एक बार, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, जय जय जय। ये जोश है सर, ये जोश है कैडेटों का, आपका नहीं, आपके प्रेरणा से है सर, क्षमा मैं चाहूंगा। ये दल जिसके प्रेरणा स्रोत रहे अपर महानिदेशक बिहार एनसीसी, बिहार एंड झारखंड एनसीसी के श्री मेजर जनरल एम इंद्रवाल, गतिविधियां होती रही उरान के नेतृत्व में, संयोजक धीरज का था। ये आजादी का अमृत महोत्सव, इसी विषय पर हमने अभी आपने सुना, 750 किलोमीटर लंबी यात्रा। मित्रों साइकिल से, समय बहुत कम है, दो वाक्या का जिक्र जरूर करना चाहूंगा नवीन, दो वाक्य का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। सारण के क्षेत्र में इस पवित्र गंगा को पार करने के बाद, सारण के क्षेत्र में जब ही हम पहुंचते हैं, परामर्श यह दी जाती है, विलंब हो चुका है, गाड़ियों पर साइकिलों को ले लिया जाए। मेरे नहीं, आपके ये नौजवान कैडेट साफ इनकार करते हैं और कहते हैं हम सत्य पर चलने वाले हैं और सत्यनिष्ठ कभी भी अपना इरादा नहीं बदलता, और ये साइकिल से चल पड़ते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, सारण जिला विद्यालय में हमारा पड़ाव था, ये कैडेट 2:30 बजे पहुंचते हैं, ये था इनका दृढ़ प्रतिज्ञा। मित्रों दूसरी बात, बेतिया के प्रखंड मुख्यालय में हमने सभी को, यानी सभी विधाओं को, सभी आयामों को टच किया है, हमने प्रशासनिक महकमे को भी टच किया, और इस क्रम में हम बेतिया पहुंचते हैं। वहां के प्रखंड कार्यालय में सभी पदाधिकारियों और उनके समक्ष हमारी प्रस्तुति होती है, ये बालाएं जो आज हैं और जिन्होंने गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बड़ा ही मार्मिक प्रदर्शन है। हम तो विनम्र आग्रह करेंगे कि अगर मौका हो तो जरूर देखिए, आपकी आंखों से आंसू नहीं आए तो इनके जोश को मैं यहीं से वापस कर दूंगा। रियली इन्होंने रास्ते भर जहां जहां इन्होंने अपने प्रदर्शन किए, हरिराज के शिव मंदिर में हम गए सर, और वहां के पुजारी ने अपनी आंखें पोंछ ली जब महात्मा गांधी की हत्या की जाती है, और इन बालाओं का करुण क्रंदन सुनकर, ये दो मुख्य घटनाएं थी। ये हमारा आजादी का अमृत महोत्सव का लघु साइकिलथॉन था। हम नवंबर में करने जा रहे हैं स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर महा साइक्लोथॉन, यानी पूरे बिहार महीनों हमारे कैडेट साइकिल से जाएंगे और अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे, जागरूकता का संदेश देंगे। आप कहेंगे कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर आपने क्या, साहब हम भितरहरवा गए महात्मा गांधी की कर्मस्थली, जब हम जिला स्कूल से लौट रहे थे, यानी हरी झंडी दिखाकर जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति ने ये कहा तो शायद हमारा नहीं आप सबों का गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा, उन्होंने कहा विदा करते हुए, यदि चंपारण महात्मा गांधी नहीं आए होते तो शायद महात्मा गांधी महात्मा नहीं होते, चंपारण की भूमि ने
उन्हें महात्मा बना दिया, क्योंकि यही से उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत। आप सबों को नमन करते हुए यहीं से हम विदा होते हैं। एक सूचना यह सभी के लिए, ये उड़ान एक भूतपूर्व कैडेटों का की संस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था को हर समय सपोर्ट करता है। जब भी जरूरत लगी है हमने आगे बढ़कर सपोर्ट किया है और हम आगे भी करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सर आपके आशीर्वाद ने, आप सबों के आशीर्वाद ने इनके जोश को, ये जोश नहीं भैया, ये जोश कहा है, फिर एक बार महात्मा गांधी की। मैं इसको नीचे करता हूं, मेरे साथ आप आवाज करेंगे, माइक नहीं है, महात्मा गांधी की। तीन बार जय जय बोलेंगे, महात्मा गांधी की जय जय जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं एलसीसी निदेशालय बिहार झारखंड के एडीजी सर मेजर जनरल श्री इंद्र बाल सर को मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर। सर कृपया यहाँ मंच पर आए और अपनी बात रखें। सर आज के इस शुभ अवसर पर, गांधी जी के जन्मोत्सव पर, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव पर हम सब भारतवासियों को, हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंच पर हमारे समक्ष प्रस्तुत आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, डॉक्टर आलोक रंजन, माननीय यूथ आर्ट और कल्चर के मंत्री, माननीय श्री नितिन नवीन, रोड कंस्ट्रक्शन के मंत्री, श्री एस के मालविया जी, एडीजी पीआईबी, हमारे पटना ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर कुणाल कश्यप, कर्नल अमित सिन्हा, हमारे साइकिलिस्ट के जो टीम के कैप्टन्स हैं, कैडेट अमरजीत कौर, सुमित कुमार और नरेश, और इनके साथ में एडम टीम, और यहाँ पर मौजूद हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मीडिया के दोस्तों और जितने भी यहाँ पर मौजूद महानुभाव हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आज मुझे इस मंच पर आप सबके सामने खड़े हुए बड़ा गर्व प्रतीत होता है कि हमारे कैडेट और भूतपूर्व कैडेटों ने मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण और लंबी यात्रा कर आज यहाँ पहुँचे हैं। इस यात्रा का महत्व एक एक्सपीडिशन जिसमें कि कैडेट को सीखने के लिए बहुत कुछ है। एनसीसी कैडेट जो भारत के युवा वर्ग को दर्शाते हैं और जो युवा वर्ग भारत के भविष्य हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइकिल एक्सपीडिशन से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये मेरा उम्मीद है। इन्होंने सीखा कि गांधी जी अपने जीवन में किस तरह से उनका मनोबल, उनका शारीरिक क्षमता, उनकी मानसिक क्षमता बनाए रखे पूरे आंदोलन के टाइम, और जिस वजह से वो भारत के आंदोलन का नेतृत्व कर पाए। इन सब से आप एनसीसी कैडेट को सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपने साइकिल एक्सपीडिशन में एडवेंचर स्पिरिट सीखा, लीडरशिप सीखा, किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना सीखा, किस तरह से दुर्लभ स्थितियों का सामना करना सीखा, और यही सीख मैं समझता हूं कि आपको जिंदगी में आगे सक्षम बनाएगी। आज के इस मौके पर हमारे कैडेट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो यहां मौजूद हैं, साथ में मंत्रीगण मौजूद हैं, हमारे एनसीसी के विभाग के श्री आलोक रंजन, माननीय श्री आलोक रंजन जी मौजूद हैं, आपका यहां पर प्रस्तुत होना और इन सबको संबोधित करना एक बहुत ही उल्लेखनीय, सराहनीय और प्रोत्साहित बात है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौके पर हमारे कैडेट्स को शामिल करने के लिए एडीजी पीआईबी ने इस मौके पर इस साइकिल एक्सपीडिशन को यहां रिसीव करके उनको जो रेस्पेक्ट प्रदान किया है, इसके लिए भी मैं एडीजी पीआईबी का आभारी हूं। उड़ान की टीम
जिसका नेतृत्व श्री धीरज जी करते हैं, जो एनजीओ है, ये भारत का सबसे पहला एक्स कैडेट्स का एनजीओ है, एनसीसी कैडेट, जो कि हमारे बिहार में बहुत ही सराहनीय काम करती है। कोरोना काल में उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों की मदद की, ऑक्सीजन पहुंचाया और साथ ही साथ लोगों तक घर सामग्री पहुंचाई, लोगों का टीकाकरण कराया और लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ये काम सेल्फ सैक्रिफाइस का एक बहुत ही सराहनीय एग्जाम्पल है। ये जो हमने एक नया कोलैबोरेशन किया है, उड़ान और एनसीसी, ये दोनों मिलकर जो हम एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग करने में और सफल होंगे और इनकी जो मनोबल को बढ़ाए रखने में हर काम में और इनको डायरेक्शन देने में जो उड़ान की टीम सक्षम होगी, मैं समझता हूं कि ये जो कोलैबोरेशन है, ऐसा पहला कोलैबोरेशन जो भारतवर्ष में है, ये आगे चलकर इसी तरह से पूरे देश में हम फैलाने में संभव सक्षम होंगे। आखिर में आप सबको धन्यवाद देते हुए, इस विभाग के एचओडी होने के नाते इस समारोह में हम सबको और हमारे कैडेट्स को खासकर प्रोत्साहन देने के लिए आप जो मौजूद हैं, इन सब का आप सबको मेरे हार्दिक दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आलोक रंजन माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार से कि वो आकर यहाँ हम सभी को संबोधित करें। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम लोगों के बिहार सरकार के माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हम लोगों के बीच उपस्थित बिहार के यशस्वी पथ निर्माण मंत्री और इस पटना के माननीय विधायक, हमारे मित्र भाई नितिन नवीन जी, हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे एनसीसी निदेशालय के बिहार झारखंड के हमारे एडीजी मेजर जनरल इंद्र बालन साहब, हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे अपर महानिदेशक सूचना प्रसारण मंत्रालय एसके मालवीय जी, एनसीसी उड़ान के सरवन जी, पटना आर्ट कॉलेज के प्राचार्य, एनसीसी के कुणाल जी, अमित सिन्हा जी, हमारे बीच सुप्रसिद्ध लोक गायिका नीतू नवनीत जी, हमारे दूरदर्शन के निदेशक, आज इस प्रशाल में उपस्थित हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे एनसीसी के छात्र, पूर्व के छात्र, एनवाईके के एवं उपस्थित सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, आज का दिन बहुत ही प्रेरणा का दिन हम लोगों के लिए है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के
का जन्मदिन है और साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन। दो दो ऐसे महान महामानव के इस जयंती के अवसर पर और उस समय जब हमारा पूरा देश हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने भाई नितिन नवीन जी का। और आज के दिन इस अवसर पर जिन्होंने आज इतनी अच्छी प्रदर्शनी महात्मा गांधी के जीवन का शुरू से लेके अंत तक के एक एक क्षण को जो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों के बीच रखा गया, उनके जीवन से जो जुड़ा महत्वपूर्ण बातें, किस प्रकार इस देश को आत्मनिर्भर करने के लिए अपने सूता से सूत काट करके रुई से और खादी वस्त्र का निर्माण कर इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इसके बारे में भी विशेष रूप से हम लोग के बीच रख करके और खास करके इस आजादी के लड़ाई में जो हमारे इस बिहार के सेनानी जिन्होंने अपना बलिदान देने का काम किया, हम आज इस अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, आज जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो सही कहा मालवीय साहब ने, हम 152वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी ने जो सोचा उसको यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो एक एक क्षण लगता है कि महात्मा गांधी जी कितने दूरदर्शी थे कि जो उन्होंने उस दिन सोचा वह आज हम लोगों के लिए उतना ही प्रासंगिक हो गया है और हम लोग उनके बताए मार्ग पर चलकर ही इस भारत को समृद्ध कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के सोच को, चाहे जो भी विषय उनका हो, आज यदि स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि महात्मा गांधी जी की को यदि सच्ची श्रद्धांजलि की बात आती है तो वह स्वच्छ भारत से आता है। आज जिस प्रकार से उनके एक एक आयाम, चाहे वह अस्पृश्यता हो, चाहे वह कमजोर वर्ग के लिए काम हो, इन सारे विषय को जब हम देखते हैं तो उनके जीवन के इस पहलू से हमारे हमको मजबूती मिलती है। आज के दिन हम सभी भारतवासी को महात्मा गांधी जी के जीवन पर जो भी उनके जीवन था
और जैसे उन्होंने इस भारत को चलने की बात की, आज पूरा दुनिया यह मान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी को दुनिया ने माना, उनके इस बातों को दुनिया ने कबूल किया और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो हम तो ऐसे अवसर पर अपने उन महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, यह भारत एक नया भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने और इस भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाने हम सब लोग मिलकर बनाएं, यह प्रेरणा हमें महात्मा गांधी के जीवन से मिलता है। हम सब लोग आज के दिन यही संकल्प लेते हुए और अभी से जो यह आजादी का अमृत महोत्सव जो लगातार 2023 तक चलेगा और इसमें हमारे बहुत सारे हमारे एनसीसी निदेशालय के द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हम आज के दिन अपने एनसीसी के उन छात्रों को भी और हमारे जो यहाँ आए हुए थे सरवन जी को भी बहुत हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस महात्मा गांधी को जिस प्रकार से इतने किलोमीटर साइकिल की यात्रा करके और महात्मा गांधी को प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए उनका अभिनंदन है, उनके पूरे एनसीसी के टीम का अभिनंदन है और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग लगे हुए हैं उन सब लोगों का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। मैं आज के अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के नितिन नवीन जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, सर यहां पर आए और अपने शब्द आज गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित इस प्रदर्शनी और सह खादी मेला के आयोजन में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के माननीय मंत्री भाई डॉक्टर अलोक रंजन जी, अपने अपर निदेशक एस के मालवीय साहब, मेजर जनरल इंद्र पालन जी, यहाँ पर उपस्थित अपने तमाम वो कैडेट्स जिन्होंने आप गए और गांधी जी के विचारों के साथ आपने युवा शक्ति को जागृत किया है, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज जिस प्रदर्शनी को देखने का मौका मिला, मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग अपने किताबों में पढ़ते हैं जब कुछ चीजों को और बाद में फिर से जीवन में कोई चीजें वही देखने को मिलती हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि मैंने अभी माननीय साहब से भी आग्रह किया और अपने कला संस्कृति माननीय मंत्री अलोक रंजन जी से भी मैंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को, आज की नई पीढ़ी को भी लगातार इन चीजों का अवलोकन मिलता रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो प्रदर्शनी आपने 3 दिन के लिए की है, मैं तो आग्रह करूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, कि आप जिला प्रशासन से बात कर पटना के सारे स्कूलों को जरूर एक सूचना मिले और इस सूचना के तहत इस प्रदर्शनी को देखने आए, ऐसा प्रयास जरूर होना चाहिए। इससे कम से कम हम गांधी जी के विषय को और उनके द्वारा कितने अच्छे चीजें को, मतलब बचपन से लेकर उनके आगे के जो संघर्ष रहा, और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बार देख लेने से चित्र में शायद किताबों में पढ़ने से ज्यादा काम आता है। और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार और अधिक होना चाहिए और मैं इस विभाग को भी खास करके सूचना और संस्कृति युवा विभाग के अपने सभी पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इन प्रदर्शनी को अलग अलग जिलों में भी जाए और जिलों में भी
एक कार्यक्रम के तहत वहाँ के युवाओं को, वहाँ के नई पीढ़ी को देखने का मौका मिले। देखिए, जो भी देश अपने इतिहास और संस्कृति को छोड़ देता है उसका भविष्य कभी सुनहरा नहीं हो सकता। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आज बहुत अच्छा है, हमारे मेजर जनरल साहब ने बताया कि एनसीसी का कोलैबोरेशन हो रहा है उड़ान के साथ। मैंने इसको एक शब्द दिया कि हमारे फिजिकल फिटनेस का हमारे संस्कृति के साथ मिलन हो रहा है। और मेरा मानना है एनसीसी को केवल हम लोग एक फिजिकल फिटनेस के रूप में नहीं, एक पर्सनालिटी के रूप में लेते हैं, और पर्सनालिटी में दोनों ही चीजों का मिश्रण होना चाहिए, अपने संस्कृति, अपने इतिहास का, और साथ में अपने फिजिकल फिटनेस का। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम सुबह से ये अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, योग करेंगे, तो योग एक साधना भी है और एक योग एक शारीरिक प्रशिक्षण भी है। तो मुझे लगता है कि उस चीज को, प्रधानमंत्री जी के विचारों को, और जिस प्रकार से आज गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, अगर हम उनको सही रूप से नमन करना चाहते हैं, उनके विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा मिशन उन्होंने शुरू किया था स्वच्छता का, और स्वच्छता के मिशन से पूरे देश को जागृत करने का काम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे लगता है कि जो एक स्वच्छता हमारे संस्कार का विषय था, बिहार एक वो ऐसी जगह है जहाँ महापर्व छठ होता है, और छठ के उस कल समय को याद करेंगे तो हम स्वच्छता और शुद्धता दोनों के प्रतीक को मानते हैं। आज महापर्व देश और दुनिया में फैल चुका है, यानी हमारा जो सोच था, गांधी जी ने जो विचार दिया था, उसको बिहार से ही सही ताकत मिली है, और हम चाहते हैं कि आने वाले पूरे वर्ष में हम इस विचार और शुद्धता और स्वच्छता के साथ काम करेंगे, तो शायद बिहार अग्रणी राज्य बनेगा स्वच्छता के इस मानक को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का और गांधी जी की जयंती के साथ साथ एक विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और शायद मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर अगर भारत बनाना है तो निश्चित रूप से खादी एक वस्त्र नहीं विचार है, इस बात को लेकर हम सभी को नीचे जाना चाहिए। और माननीय मालवीय जी अभी जो कह रहे थे, तो हम लोगों ने भी ये तय किया है कि छोटा ही सही, कुछ भी सही, आज खादी को प्रोत्साहित अगर करना है, भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, जो माननीय गांधी जी ने, राष्ट्रपिता गांधी जी ने जो सोच रखी थी कि हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो खादी को आगे बढ़ाना है, तो हम सभी कोई को आज इस विचार के साथ जुड़ना चाहिए, और हम सभी आगे बढ़कर इस प्रोत्साहन को खादी उद्योग से जुड़े अपने तमाम श्रमिक को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत के इस विकास के में जोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से खादी को प्रोत्साहित करना होगा। और आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं मालवीय जी को और उनकी पूरी टीम को, खास करके माननीय मंत्री जी को भी विशेष आभार करूंगा कि पटना में आपने इस कार्यक्रम के मुझे भी मौका दिया। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं बहुत दिनों से देखता हूं, कई कार्यक्रमों में देखता हूं, मिन्नती जी और कई वरिष्ठ लोग यहां पर उपस्थित हैं, मैं सबको भी नमस्कार करता हूं, और पुनः अपने विभाग के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह में एक कार्यक्रम था, तो मैंने वहां भी कहा कि गांधी जी पे हम लोग को एक लेजर शो थीम के साथ नई युवा पीढ़ी को दिखाना चाहिए। जो गांधी मैदान में जो गांधी जी का नया स्टैचू बना है वो अद्भुत है, हो सकता है कि कई यंग जनरेशन के लोग अभी तक गए नहीं होंगे, लेकिन अगर हम वहां पर लेजर शो अपने विभाग के द्वारा आलोक रंजन जी इसको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से एक थीम बेस्ड लेजर शो, ताकि नए आधुनिक तरीके से युवा पीढ़ी को आज की चीज माध्यम से पुराने इतिहास को अगर आप दिखाएंगे तो उनके ध्यान में और उनके मन मस्तिष्क में ये विषय जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद सर से कि वो आकर हमें ओतपूर्ण शब्दों से संबोधित करें। सर, महात्मा गांधी की पावन जयंती के इस पावन अवसर पर बिहार ललित कला अकादमी के इस प्रशाल में आजादी का अमृत महोत्सव
कार्यक्रम को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिस प्रकार से आज शुभारंभ किया है 3 दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी का, उसके इस शुभारंभ समारोह के सत्र में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री, हमारे नौजवान साथी श्री नितिन नवीन जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री और जिनके उद्बोधन को आप अभी सुन रहे थे, श्री आलोक रंजन जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक श्री एस के मालवीय जी, हमारे साथ मंच पर आसीन अपर महानिदेशक एनसीसी बिहार एवं झारखंड श्री एम इंद्रबालन जी, दूरदर्शन के हमारे निदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती नीतू नवदीप जी, इस अवसर पर उपस्थित पटना आर्ट कॉलेज के श्री अजय पांडे जी, इस अवसर पर रीजनल क्षेत्रीय निदेशक खादी ग्राम्योद्योग श्री हनीफ मेवाती जी, आज भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा ये 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक गांधी फोटो प्रदर्शनी एवं खादी मेले का आयोजन के इस अवसर पर आप सबों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में चल रहे हैं और उसके जश्न का हिस्सा भी बन रहे हैं, लेकिन जब हम याद करेंगे, क्योंकि हम आजादी के पूर्व के पीढ़ी के नहीं हैं, लेकिन जब उस दौर को आप याद करेंगे तो लगेगा कि महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से भारत की आजादी की लड़ाई के लिए बहुत छोटी छोटी चीजों से उन्होंने इतनी बड़ी आजादी पाई, उनके साथ सरदार भगत सिंह से लेकर ऐसे कई नाम अनाम हमारे क्रांतिकारी भी को भी आज हम याद करें, क्योंकि जब हम गांधी की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए जितने भी चेहरे हैं वो सारे उसमें समाहित हैं। गांधी कोई एक नाम नहीं है, गांधी शब्द में ऐसे तमाम नाम छिपे हुए हैं जिनको हमने नहीं देखा है, जिन्हें देश भी नहीं जान पाया, लेकिन उनकी एक बड़ी भूमिका रही। ऐसे तमाम लोगों को आज याद करने का दिन है और गांधी को जब हम आज नमन करेंगे तो ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को और भारत के दूसरे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अल्पकाल में जिसने पूरे भारतवर्ष को एक साथ संजोने का काम किया और उस युद्ध में, भारत पाक के युद्ध में अल्पकाल में उन्होंने जो अपनी नेतृत्व की छवि बनाई वह आज भी पूरा देश उनको स्मरण करता है। मुझे लगता है कि इतने अल्पकाल का कोई प्रधानमंत्री इतने लंबे अरसे तक याद किए जाएंगे, ये एक बड़ी बात है।
मित्रों, गांधी पर कई प्रकार के विचार आए, लगातार विचार आते हैं। उन्होंने जो बातें कही, जो चीजें करी, वो हम सबों के लिए प्रेरणा का एक पुंज बन गया। और गांधी एक संस्थागत स्वरूप में आज हम सबों के जेहन में, हमारे दिल में आज वो विद्वान है। और आपको याद होगा कि आइंस्टाइन ने कहा भी था कि आने वाली पीढ़ी इस बात को जानकर हैरान होगी कि कोई हार मांस का कोई व्यक्ति भी इस स्वरूप में उसका जन्म हुआ था। यह बड़ी बात है। और जब हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार की धरती पर जब आजादी के अमृत महोत्सव और गांधी की बात जब हम करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार ने कहीं कहीं उन्हें प्रक्षेपण करने का काम किया है। चंपारण में जो नील की खेती कर रहे किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था, और उसके कारण गांधी जी को बिहार आना पड़ा, और पंडित राजकुमार शुक्ल से लोग ने जब उन्हें बिहार बुलाया, और उसके बाद जो पूरी तस्वीर बदली, वो जो एक अभियान चला चंपारण की धरती से, वो पूरे भारतवर्ष की स्वतंत्रता का भी एक बहुत बड़ा कारण बना। और मित्रों, जब आज हम विपिन एरा में हैं, लेकिन गांधी ने जो हथियार हम सबों को दिए, वो ऐसे हथियार थे जिसकी कल्पना भी आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाई। कई विश्वयुद्ध भारत ने, आपने, पूरे विश्व ने देखा है, लेकिन गांधी के नेतृत्व का यह ऐसा युद्ध था जो हथियार दिखता नहीं था। सत्य अहिंसा कोई बहुत भौतिक स्वरूप इसका नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को आंदोलित करने का काम किया। और सत्य अहिंसा इस तरह के जो शब्द हैं, जो वास्तव में आजादी की लड़ाई के ये बड़े हथियार बने, आने वाली पीढ़ी को भले विश्वास नहीं हो, इस तरह के शब्दों से भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा। जिस प्रकार से पीढ़ियों का अंतर हो रहा है, और आजादी की लड़ाई और उसमें भाग लेने वाले तमाम नाम अनाम चेहरे, और स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे क्रांतिकारी वीरों ने किस प्रकार से भारत को आजादी अंग्रेजों से दिलाई, ये आने वाली पीढ़ी इसको कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संजो कर रखे, ये एक यक्ष प्रश्न है। और इस यक्ष प्रश्न का जवाब भी इस पीढ़ी के पास है, क्योंकि आप आजादी की लड़ाई में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे लोग किस प्रकार से उस लड़ाई को एक स्वाधीनता का प्रतिफल के रूप में स्वरूप दिया, ये बताना हम सबों की इस पीढ़ी की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और कल का भारत, कल का बिहार, कल का कल के भारत की वैश्विक तस्वीर किस प्रकार का होगा, यह हम सबों की जिम्मेदारी है। यह आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका एहसास हम सबों को करना पड़ेगा। आजादी के अमृत का महोत्सव तो 75 वर्ष पूरा हो रहा है। उसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक स्वरूप दिया, और आपको लगेगा कि उसका स्वरूप क्या है, ये एक कभी कभी आपको महसूस होता होगा, और ये चिंतन का विषय है। लेकिन आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जो हमारा ये अमृत महोत्सव है,
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गांधी के नेतृत्व में जो एक प्रेरणा दिया कि जब देश के लिए खड़ा होना होगा तो अपने को किस प्रकार से कुर्बानी देगी देना होगा, ये यही अमृत है। भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, यही 75 वर्ष का हमारा अमृत है। हम आने वाले दिनों में जो हमारा इतिहास है, जो एक गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को स्मरण करना ही हमारा अमृत है। जब इस तरह के अमृत कलश को लेकर हम निकलेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी जब देंगे तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आप और हमने पढ़ा कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम तय किए और जिस प्रकार से उन्होंने गांधी ने कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, गांधी ने कहा कि हमें ये 7 चीजों से परहेज करना चाहिए, गांधी ने कहा कि हमें कई प्रकार के जो जीवन के दर्शन है, जो सनातन धर्म और भारत की सांस्कृतिक और जो अमृत श्लोक है, मैं भी उसे अमृत का नाम दूंगा। आज हजारों वर्ष से वो सारे श्लोक कहीं ना कहीं भारतीय जीवन पद्धति को कहीं ना कहीं एक मर्यादित किया है, उसे संजो कर रखा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने वो सारी चीजें क्या, स्वच्छता, इतनी सहजता से उन्होंने स्वच्छता को पूरे भारत के सामने रखा, मेरे ऐसा व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, मुझे भी थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने देखा कि वो स्वच्छता सब स्वच्छता अभियान कहीं कहीं जीवन की एक दिनचर्या बन गई। जब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कागज का टुकड़ा भारत के प्रधानमंत्री ने एक जगह गिरा हुआ था उसको उठाकर अपने पॉकेट में रखा, तो वो कहीं कहीं हम सबों के लिए प्रेरणा बन गया। आपने सुना होगा कि गांधी जी जा रहे थे, उन्होंने एक आलपिन देखी और उसको उठाकर उन्होंने रख लिया, कितनी छोटी बात थी, लेकिन वही छोटी बात गांधी की प्रेरणा से हमारे जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस छोटे से कागज के टुकड़े को अपने पॉकेट में डाला, पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक बड़ा संदेश दे दिया। और कल भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता मिशन 2 और अटल अमृत मिशन को उन्होंने 1 अक्टूबर को शुरुआत की और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्वच्छता अभियान है उसको आपको अपने जीवन के दिनचर्या से जीवन शैली से जोड़ना पड़ेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी को ये चीजें आपको देनी होगी, अगर आप नहीं देंगे तो आने वाले हिंदुस्तान की जो भयावह तस्वीर होगी उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि आने वाला भारत स्वर्णिम भारत हो तो कुछ आदत आपको इस पीढ़ी को डालनी पड़ेगी, ये संकल्प लेकर यहां से जाना होगा, तभी इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता है। यह जो चित्र प्रदर्शनी है उसमें जो छोटी छोटी चीजों को आपने दिखाने का जो एक बेहतर प्रयास किया है और जिसे नितिन नवीन जी और हमारे आलोक रंजन जी ने हमारे गांव के स्कूलों तक पहुंचाने की जो बात करी है, इन चीजों को जब तक हम नहीं करेंगे, हम आप नहीं करेंगे, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, हम जब तक नहीं करेंगे तब तक गांधी के विचारों को, गांधी के मूल्यों को आज के संदर्भ में उसको रेखांकित नहीं करेंगे तो पीढ़ियां भूलेगी। उन्हें बताना होगा कि गांधी का विचार, गांधी जी ने जिन छोटी छोटी चीजों के कारण आज वो महात्मा गांधी और बापू और आइंस्टाइन ने जिन शब्दों में से उनको रेखांकित किया, वो सारी चीजें बेमानी होगी। और अंत में हम अपने सूचना प्रसारण मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं।
और धन्यवाद देते हैं अपने जाबाज जो साइकिल की यात्रा करके चंपारण से यात्रा करके आज हमारे बीच है। ऐसे तमाम नौजवानों को आपने जो इस साइकिल की यात्रा करके जो संदेश दिया, और श्रवण कुमार जी जिस ओजस्वी अपनी आवाज से हमें झंकृत किया, मैं तो झंकृत हो गया, आपको क्या लगा मुझे नहीं पता। तो उनको भी हम आज सर नमन, देखिए नमन के साथ एक आग्रह भी है सर। हम जानते थे कि आप जरूर आइए और मुझे पता है सर आप इतने लोकप्रिय हैं कि जरूर मेरा प्रस्ताव नहीं है, बच्चों का कैडेट का आत्मीय प्रस्ताव है सर कि समापन के बाद यही आप सभी आसनस्थ रहेंगे और ये कैडेट आपके चरणों में बैठेंगे, एक चित्र का निवेदन हुआ सर। बहुत बहुत और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मंत्रालय ने महात्मा गांधी को बिहार से, और बिहार में उन्होंने जो प्रेरणा दी, बिहार मुझे लगता है कि लगभग क्या मालूम जी 27 बार जो व्यक्ति इस राज्य की यात्रा किया हो, तो उनके जो पदचिन्ह हैं, उनके जो बोल हैं, उनकी जो अमृत वाणी है, वो कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर एक सकारात्मक छाप छोड़ी होगी। और उसी का परिणाम है कि हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को जो एक नई ऊंचाई और नया आयाम देने का काम किया है, हम उन सारे मूल्यों को सहेज कर रखेंगे। और हमारी सरकार का जो कार्यक्रम है आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय, उसमें वो सारे मूल्य कहीं न कहीं कार्य स्वरूप में, व्यवहार में निश्चित तौर पर वो दिखेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अंत में चार पंक्ति गांधी के नाम है, सत्य का तेल अहिंसा की बाती कि अमर ज्योति जलती रहे, तेरे पद चिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे, हम सब चलते रहे। ऐसे महामानव को सत्सत नमन, लाल बहादुर शास्त्री जी को सत्सत नमन, और आप सबों को प्रणाम, क्योंकि गांधी के उन विचारों को, उन मूल्यों को अगर आने वाली पीढ़ी को देना है, आप एक सशक्त वाहक हैं, अभिभावक के रूप में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो आपकी विशिष्टता है, उस स्वरूप में भी अपने गीतों में, नवनीत जी अपनी गीतों में भी वो बात जरूर पहुंचाइए, आने वाली पीढ़ी को वो देना होगा। नहीं अगर देंगे तो एक बड़ी, क्योंकि हमने देखा है घर में कि अभी जो युग चल रहा है उसमें कई ऐसी चीजें आ रही है जो संस्कृति को कहीं ना कहीं उसका ह्रास हो रहा है। हमारे महापुरुषों के जो जीवन के चरित्र हैं, हमारे हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों का यह देश रहा है, बिहार के ऐसे तमाम लोग जिन्होंने बिहार को पूरे वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई है, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे भगवान महावीर हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, भगवान बुद्ध हो, ऐसे तमाम लोग को हम की धरती के हम धरती पुत्र हैं, इसलिए हम सब गौरवान्वित हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने हमें इस अवसर पर तो बोलने का अवसर दिया, समझने का, गांधी को समझने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री का, और उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमारे बापू के आदर्शों को आपके सामने रखा, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य को भी, मकसद को भी हमारे बीच रखा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर नीतू नवगीत जी से, जो हमारे बापू के प्रिय भजन, उनकी प्रार्थना रघुपति राघव राजा राम को हमारे बीच वो ये गीत फिर से एक बार गुनगुनाए, हम सभी लोग गौरवान्वित होंगे। मैं सबसे पहले एनसीसी उड़ान संगठन के कैडेट्स अमरजीत कुमार को बुलाना चाहता हूं यहां मंच पर, कृपया आप मंच पर आएं। अभय कुमार, गुड़िया कुमारी, आप तीनों मंच पर। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा सर,
बड़े भाई अजीत कुमार जो कि एनसीसी संगठन भैया उधर से संगठन के कैडेट्स हैं चेहरा यहां आ रहा सर ये टिकट देकर सम्मानित करें थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार अभय कुमार को मैं बुलाना चाहता हूँ माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के श्री नितिन नवीन जी से आग्रह करूंगा कि अभय कुमार जो कि एनसीसी कैडेट्स हैं साइकिल रैली में भागीदार हुए थे उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें गुड़िया कुमारी जो कि एनसीसी कैडेट्स बहुत बढ़िया मंच पर आए मैं माननीय कला संस्कृति और युवा विभाग के डॉक्टर आलोक रंजन सर से आग्रह करूंगा कि उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें अब मैं आग्रह करूंगी श्री सर्वजीत सिंह सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से कि वो आकर धन्यवाद ज्ञापन करें सर्वजीत जी धन्यवाद और इस प्रेक्षागृह में मौजूद आप सभी दर्शक और साथ ही साथ आज के हमारे इस चित्रकला प्रदर्शनी के उद्घाटन के जो मुख्य अतिथि हैं श्री तारकिशोर प्रसाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा मैं स्वागत करना चाहूँगा धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से आज इस कार्यक्रम को भी अपना समय दिया साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री नितिन नवीन जी को जो कि माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार हैं उन्होंने आज जो भी यहाँ पे कहा और एक रिजो शो की भी बात कही उन्होंने वो काबिले तारीफ है सर और जल्द ही अगर इस चीज़ पे होता है अगर कुछ असर इसका दिखाई पड़ता है तो लोगों को इस प्रदर्शनी के अलावा एक लेजर शो से भी बापू के संदेशों को हम प्रसारित कर पाएंगे मैं अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूँगा श्री आलोक रंजन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग हैं जिन्होंने कि आज चित्रकला प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में ही कहा कि इस प्रदर्शनी ये बहुत ही अनोखी है और इसका जो है प्रसार जो है अन्य जिलों में भी होना चाहिए सर मैं एसके मालवीय सर जो कि अपर महानिदेशक हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के बिहार प्रक्षेत्र के सर के मार्गदर्शन में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर ने बहुत समय इस प्रदर्शनी के आयोजन में और इस कार्यक्रम के आयोजन में दिया सर कल रात तक यहाँ पर थे और प्रदर्शनी की बारीकियों को कभी कोई चीज छूट ना जाए इस पे उन्होंने बहुत ही जोर दे करके और सभी चीजों को सुसज्जित करवा करके शाम तक यहाँ रात तक यहाँ से गए सर सर मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेजर जनरल श्री इंद्रबालन सर का जो कि एडीजी है एनसीसी बिहार झारखंड निदेशालय के सर का सहयोग हमें आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो कि भोजपुर के आरा में हुआ था वहां पे बहुत सहयोग मिला और एनसीसी के जो भी तमाम कैडेट्स हैं यहां पे जिन्होंने कि उत्साहवर्धन भी किया है इस आज के इस कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा भी दी है साइकिल रैली के माध्यम से मैं सभी साइकिलिस्ट का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कि 750 किलोमीटर की यात्रा करके और एक ऊर्जावान संदेश प्रसारित करने का काम किया है मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा श्री विजय कुमार सर का जो कि निदेशक हैं रीजनल आउटरीच ब्यूरो एवं दूरदर्शन न्यूज बिहार के सर के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये 3 दिनों तक चलेगा सर ने बहुत सी बारीकियों को यहाँ पर बहुत सी जो एग्जीबिशन जो भी यहाँ पे लगा हुआ है आप कल रात तक 9 से 10 बजे तक हम लोग यहाँ पे 11 बजे रात को यहाँ से गए सर मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इस एग्जीबिशन में आपने बहुमूल्य समय दिया मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा श्री दिनेश कुमार सर का जो कि निदेशक हैं पत्र सूचना कार्यालय पटना बिहार के सर आपका भी मैं बहुत आभारी इसलिए भी हूं कि इस कार्यक्रम को तो हम इस परिसर में कर रहे हैं लेकिन देश और राज्य के कोने कोने तक पत्र एवं सूचना कार्यालय अपने प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है और
जिस हिसाब से आप शाम शाम देर एडिशन तक सर छूटने के पेपर छूटने तक आप प्रेस सीरीज को जारी करके इस कार्यक्रम की गरिमा को दूर दूर तक फैलाने का काम करते हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, पटना आर्ट कॉलेज के प्राचार्य श्री अजय पांडे सर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस आर्ट गैलरी में कुछ गांधी जी की तस्वीरों का यहाँ पे प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है उन्होंने, जो कि यहाँ के आर्ट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बनाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप उस प्रदर्शनी को देखें और साथ ही साथ जो भी छात्र उन चित्रों को रेखांकित उन लोगों ने किया है उसका उत्साहवर्धन करें सर देख करके। केबीआईसी पटना के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारीगण जो कि इस प्रदर्शनी में स्टॉल के माध्यम से गांधी जी के खादी के संदेशों को प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं साथ ही साथ प्रकाशन विभाग के तमाम उन लोगों का अधिकारी एवं कर्मचारीगण का धन्यवाद देना करना चाहूंगा जो कि यहाँ पे प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी लगा हुआ है, जहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हुई कई साहित्यिक किताबें हैं यहाँ पे, और उसका आप लोग अवलोकन करें। ये एक संदेश भी है कि गांधी जी क्या कहना चाहते थे, अब तो हम उन्हें देख पाते नहीं है, सुन पाते हैं और जो अंकित है उसे पढ़ पाते हैं, तो हम जरूर उस चीज को भी देखें। आप इस प्रेक्षागृह में सभी सम्मानित अतिथियों का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा जो अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल करके और यहाँ पे आप उपस्थित हुए हैं। सर, मैं एडीजी सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि जैसे मैंने कहा कि आर्ट एंड कॉलेज का इसमें पार्टिसिपेशन है सर, मैं चाहूंगा कि सभी विशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्ति जो हैं एक बार आर्ट गैलरी को सर देखें, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन हो सके, और खासतौर से उप मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा सर। और मैं चाहूंगा कि प्रथम सत्र तो मैं अब माइक देना चाहूंगा अनिल झा जी को जो कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरजीत जी का, और मैं आग्रह करूंगी अपने अपर महानिदेशक से कि वो हमारे विभाग के स्मृति को हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को वो भेंट करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की आरओबी पटना ने आज गांधी जी की चित्र प्रदर्शनी एवं खादी मेला दो तीन दिनों तक चलेगा, उस प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। और वास्तव में जब चित्र प्रदर्शनी को देखते हैं तो लगता है कि पूरे गांधी के जीवन को इस चित्र प्रदर्शनी में पिरोने का काम किया गया है। और महात्मा गांधी का जो बिहार से रिश्ता रहा, बिहार ने कहीं ना कहीं उसे उन्हें ताकत दी, और बिहार के अपने जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन सारे ऐसे अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर का भी प्रदर्शन आज था। आज के इस पावन अवसर पर हमारा इतना ही आग्रह है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, आने वाली पीढ़ी को हम ये सारी चीज़ें एक धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहें, जिससे कि देश के प्रति और यह देश से इतना आसानी से अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद नहीं हुआ है, उसमें महात्मा गांधी और उसके साथ तमाम अपने क्रांतिवीर वीरों का भी एक बड़ी भूमिका है। और आज के इस पावन अवसर पर अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं, बहुत अल्पकाल में उन्होंने पूरे देश को एक प्रेरणा। सर, सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आग्रह करूंगी हमारे उप मुख्यमंत्री को एक स्मृति चिन्ह मोमेंटो देकर हमारे अपर महानिदेशक विदाई दें सर हमारे विभाग की ओर से। मैं आग्रह करूंगी हमारे डॉक्टर आलोक रंजन को भी वो एक स्मृति चिन्ह देकर विदाई दें। अब मैं आग्रह करूंगी श्री नितिन नवीन जी को भी वो एक। साथ ही मैं अपर महानिदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच
सीआरपीएफ के कमांडेंट मौजूद है मुन्ना कुमार जी, उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। दो मिनट आगे मैं एडी सर से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच सीआरपीएफ के कमांडेंट मुन्ना सर हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बैठो आप हट जाइए, जल्दी जल्दी बैठो सर को भी। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और जो एनसीसी के कैडेट जो साइक्लिस्ट हैं वो कृपया मंच के सामने आप आ जाएं। पीछे आ जाइए, काफी जगह है, पीछे आइए तभी होगा ग्रुप फोटो। आ जाओ आप लोग और पीछे हो रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बेटा खड़ा होकर जल्दी करना, एक मिनट भैया था सामने तक प्लीज मैम सॉरी। और ले हो गया तो हटो जगह, एक मिनट बैठिए। और आपने मंच पर आप आ जाइए ना, आपसे कहा आप अनपेक्षित नहीं है, आप भी रहिए आ जाइए। आप पीछे से क्यों नहीं लेते हैं आके, इधर आ जाइए दो रो पीछे आ जाइए, आएगा आ जाओ ये अनुराग ने पीछे ना पीछे आ जाइए, दो रो पीछे आ जाओ, कर दो आ जाओ पीछे बैठो बैठो हो गया आप लोग बैठे रहिए आराम से, हो गया ना क्या यार। अरे कैसे भैया, ठीक है अभी पीछे भी किसी है, एक पीछे भी बैठे हुए Thank you.
अरुणाचल तेजू के पास। दर्शाएंगे। थैंक यू। आज से करीब 150 वर्ष पूर्व हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज देश के अन्य हिस्सों में उठ रहे आजादी के विद्रोह को दबाने की अथक प्रयास में लगातार सफल हो रहे थे, पर उस वक्त कहां किसी को पता था कि दरअसल उस दिन का वातावरण इतना शांत और आकर्षक था कि न चाहते हुए भी सभी इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। सुबह से ही मौसम खुशनुमा और रंगीन था। उस दिन की धूप शुरू हो रही ठंड में सुकून का चादर बन के आई थी। जी हाँ, ये कहानी है राज्य गुजरात के पोरबंदर जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार की, जिनके घर अति साधारण बालक का जन्म हुआ। उस बालक का बचपन का नाम मोहनदास था। करमचंद गांधी पिता का नाम व माता का पुतलीबाई। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी ये नाम उनके पिता से विरासत में मिली थी। वो विलक्षण प्रतिभा का बालक देखने में अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही था, पर उसकी समझ और उससे बिल्कुल अलग और अलहदा था। विद्यालय में इस बालक ने बचपन से अपने व्यवहार और विचार से लोगों को आश्चर्यचकित किया था। कहते हैं ना कि होनहार और विरवान के होते हैं चिकने चिकने पार, या पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। बच्चों, सुप्रभात गुरुजी। बैठे बैठे बैठे। आज हिंदी की कक्षा में आप लोगों के लिए श्रुत लेख। हाँ मोहन, ठीक से बेटा बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। भारत वर्ष लिख लिया सबने? जी गुरुजी। हिंदुस्तान लिख लिया बेटा आपने? जी गुरुजी। आर्यावर्त। देश प्रेम, माता पिता। अरे मोहन बेटा, आपने इसमें आपके दो शब्द गलत हैं। जाओ उसे मिलान करके ठीक कर लो। क्या हुआ? जाओ मिलान करके ठीक कर लो। जी मास्टर जी, मुझे, मैं नकल नहीं करूंगा। क्या हुआ? जी आप ही ने कहा था कि नकल नहीं करनी है। अगर आप ठीक कर सकते हैं तो मैं जरूर ठीक कर लूंगा।
शाबाश बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया। लाओ नकल से इनका। विद्यालयी शिक्षा के समाप्ति के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजा। वहां से उन्हें वकालत पूरी करनी थी। उसी दौरान उनको साउथ अफ्रीका के एक ट्रेन के सफर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया। हेलो, वेयर इज योर टिकट? आर यू इंडियन? यू ब्लडी गेट आउट फ्रॉम हियर, इट्स नॉट योर स्पेस। सॉरी बट आई हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट। नो, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट, ब्लडी इंडियन। Sorry, ladies and gentlemen, enjoy your journey. Thank you. वहां से वापसी के बाद मोहनदास के विचारों में और परिपक्वता आ गई थी। दूसरे देश और अपने देश में भारतीयों की स्थिति ने उनको खासा बेचैन किया था। उनको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा था कि अपने देशवासियों और देश को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए उन्हें उनकी आवाज बननी पड़ेगी। किंतु यह सब कुछ इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से आज आप लोग इस नाटक को देख रहे हैं। तब और अब एक कहावत बहुत मशहूर थी और है, अकेला चना बाण नहीं फोड़ सकता। लेकिन मोहनदास अकेले निकल पड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में ताकि वे देश की व्याप्त अधीनता व अधीन लोगों को करीब से जान समझ सके। सचमुच उनके इस प्रयास ने धीरे धीरे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी थी। अब उनके एक आह्वान से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनके दूरदर्शिता और व्यवहार के विनम्रता ने हर व्यक्ति, हर धर्म, हर समाज को जीत लिया था। अब मोहनदास एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरने लगे जिसका अहिंसा परमो धर्म का प्रभाव जनमानस पर बढ़ता जा रहा था। भारत भ्रमण के क्रम में उनके साथ पश्चिमी चंपारण के एक धनी किसान राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल ने कई बार बिहार चंपारण के दयनीय स्थितियों के बारे में बापू को अवगत कराया था। बापू ने शुरू में ही कहा था, शुक्ल एक बार वहां की स्थिति की जानकारी हो जाए कोई मदद कर पाऊं। जी बापू। और वो दिन आया जब महात्मा की उपाधि लेकर महात्मा चंपारण पहुंचे। बापू की बिहार चंपारण यात्रा को लेकर अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। जब वे चंपारण पहुंचे और वहां के लोगों से मिले एवं वहां की परिस्थितियां देखी तो दंग रह गए। नील की खेती से हो रहे कठिनाइयां व किसानों की दयनीयता ने उनको अंदर तक झकझोर के रख दिया था। बापू आए हैं, अरे सुनो, अरे माँ, अरे बाबू, देखो बापू आए हैं, महात्मा आए हैं। अरे चलो 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 चलो, अरे महात्मा आए हैं, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे हमारे प्रभु आए हैं। हाँ, अरे महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी आए। चलो 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 चलो। अरे छोड़ो, बाद में काम करेंगे, चलो चलो पहले बापू के से मिलने चलते हैं। प्रणाम प्रणाम बापू, हमारे तो जीवन सफल हो गए बापू आपको देख के। कितना दिल से तारा के इंतजार करो तो होली बापू, सोच लेना रहले कि इस जन्म में तारा से भेंट होगी। लेकिन रवा के देख के अभी एकदम लगा था कि हम जी गए नहीं है बापू, हमने बहुत कष्ट में बानी, हमने के दुख दूर करो बापू। हे महात्मा, हमने के प्रभु तुहे बाड़ा, हमने के दुख हर लो। राजकुमार शुक्ल, सचमुच यहां की स्थिति देखकर शब्द नहीं है मेरे पास शुक्ल, कि कैसे अपनी बात रखूं आप। हम सब
सत्याग्रह करेंगे। बापू भाई सत्याग्रह का बा? सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह। तो बापू एक में हमने के क्या करेगा पड़ी? हमने जगह कहा करब जा? हमने के लड़े के पड़ी? नहीं नहीं, हम अहिंसा परमो धर्म मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम सरकार तक अपनी बात अहिंसा के माध्यम से पहुंचाएंगे। भाइयों, आज बापू हमारे बीच है और ये देख के लग रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे गांव में, और हम सबको इसमें जोर शोर से हिस्सा लेना होगा। सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आगर अबुआ जाने भूल हम रहे हो, राह दिखा दे, आजाद राह दिखा दे। लाठी पकड़ो चलते थे वो शान से, सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे, पर था उनका छोटा सा और सर पर उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तांगे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। अफ्रीका के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार हुआ जहां से सत्याग्रह का अलग जगह, वो भी बापू के नेतृत्व में। इसका असर ऐसा हुआ कि इसकी आग पूरे देश में लग चुकी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों ने इस सत्याग्रह में आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेजों को धीरे धीरे जनमानस में बने गांधी के अहिंसा की ताकत का एहसास हो गया था। इसीलिए बाद में अंग्रेजों ने उनकी सत्य के लिए किए गए आग्रह को मान लिया। फिर देश को आजाद कराने को लेकर मुहिम और तेज हो गया। नरम दल, गरम दल, हर दल के लोग अलग अलग राज्यों, जिलों, कस्बों में आजादी के दीवारे सर पर कफन बांध माँ भारती को आजाद कराने के लिए आहूत हुए। गांधी ने जिस मंत्र का इस्तेमाल पूरी जिंदगी की, वो मंत्र बाद के दिनों में विचार बनकर उभरा। वो मंत्र था अहिंसा परमो धर्म, यानी असल धर्म अहिंसा है, सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा है। जहां गांधी को लाखों की तादाद में पसंद करने वाले लोग थे, उन्हीं में कुछ स्वार्थी, विचार विहीन और मूढ़ किस्म के लोग गांधी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाने लगे। साथ ही आजादी के समय देश के बंटवारे का जिम्मेदार बापू को ठहराते थे। परंतु सच तो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर गांधी कभी तैयार थे ही नहीं। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर, देश के आजाद होने पर गांधी बहुत प्रेरित हो जाए थे। एवं गांधी के कहे कई बातों की अवहेलना भीतर ही भीतर पार्टी में शुरू हो गई। महात्मा गांधी को आजादी के समय बनी राजनीतिक पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। सियासत के भूखे सियासतदानों ने देश को दो भागों में बंटवा दिया और उसका जिम्मेदार बापू को ठहरा दिया, जिसकी त्रासदी दोनों देशों को झेलना पड़ रहा है। आजादी का अभी
एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 की संध्याकालीन प्रार्थना में बापू हमेशा की तरह जा रहे थे। तभी हे राम हे राम हे बहुत ही अद्भुत नुक्कड़ नाटक महात्मा गांधी पर एनसीसी कैडेट के बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आई थिंक दो स्टेप आगे आ जाएं आप लोग। ठीक बस बस और थोड़ा
आपके बच्चे एकदम कमाल कर रहे हैं।